चले वन देख रहे आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को कहा अलविदा। हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वहीं पर कारण की बात करें तो कारण उन्होंने ये कहा है कि पार्टी जो है वो लोगों के हक के लिए खड़ी नहीं हो पा रही है। लेकिन वहीं पर अमित कपूर जी का इसको लेकर अलग ही गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। इसके पीछे की जानकारी क्या है, आखिरकार क्या वो गंभीर आरोप है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अमित कपूर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपने जिस तरीके से इंटरव्यू के दौरान ये कहा, गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर्षदेव जी के जाने से हमारी पार्टी को 1% भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि मैं आपको बता दूं एक मनहूस कदम था उनका कि जिनके उस कदम पड़ने के बाद आज तक ज्वाइनिंग होना बंद हो गई थी जी। लेकिन अब वो गए हैं तो अब आप देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग होंगी। बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके कारण रुक गए थे। आम आदमी पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी, लेकिन शायद इज्जत उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया उनको। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकले। उनको सिर्फ चिनैनी की कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के लीडर बन ही नहीं पाए। आपने एक आरोप लगाया है 12 लाख, आपने कहा कि 12 लाख जो है वो पार्टी से मांगेंगे और उसके बाद नहीं दिया तो पार्टी जो है वो छोड़ दी। जो मैं आरोप लगाने अभी जा रहा हूँ, आपको अगर ये आरोप लग रहा है तो मैं आपको सभी मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि जिसके जो भी ये कहेगा कि अमित कपूर ने ये झूठा एलिगेशन लगाया है, तो आप उसको गीता, हमारे सनातन धर्म में गीता की कसम कोई झूठी नहीं खाएगा मेरे हिसाब से। तो जो झूठी खाएगा वो समझ लो कि वो हमारे सनातन धर्म का है ही नहीं। सनातन धर्म को मानते हुए गीता पे हाथ रखकर कोई एक लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये बात कह दे गीता पे हाथ रखकर कि अमित कपूर ने झूठा एलिगेशन लगाया है, अमित कपूर ने सच नहीं बोला, कोई एक लीडर नहीं बोल सकता जो सनातन धर्म गीता को मानता होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एलिगेशन क्या था, सच्चाई थी वो। 23 तारीख को हमारी जम्मू कश्मीर सभी लीडरों को साथ लेकर एक मीटिंग होती है दिल्ली में। उस मीटिंग में एक प्लानिंग की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है हर्षदेव जी के द्वारा। सबसे पहले दिल्ली की जो टीम थी जम्मू में उसकी कंप्लेनें हुई, दिल्ली की जो टीम थी उसकी कंप्लेन की गई अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग अपने गुर्गों के थ्रू, अपने साथियों के थ्रू। जब वहां पे उनका षड्यंत्र जो कामयाब होता दिखा, दिल्ली की टीम को आदि को हटाया गया, आगे पीछे किया गया, क्योंकि इनका ग्रुपिज्म चलाकर इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। वहीं पे इन्होंने सोचा कि मेरा एक चीज तो कामयाब हो गई तो क्यों ना मैं दूसरी भी कामयाब कर दूं। इन्होंने इनका बहुत ही खास साथी जो वहां पे ये बात उन्होंने कह दी कि हर्षदेव जी को स्टेट प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी बनाइए और 12 लाख रुपया महीने का हमें दीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मीडिया कोई भी जब भी किसी लीडर का इंटरव्यू ले रही ही है, अगर वो कहता है कि अमित कपूर झूठ बोल रहा है तो उसको बोलिए गीता पे हाथ रखकर कसम खा दे। लेकिन वहीं पर हर्षदेव सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी जो है वो लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, लोगों के हक के लिए वो लड़ नहीं रही है, इसीलिए वो पैंथर पार्टी को दोबारा से रिवाइव कर रही है। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ा नेक्सस कोई है तो आज एजुकेशन माफिया है। जब मुझे उन्होंने नहीं रोका इस चीज को लड़ने के लिए, आम लोगों की आवाज उठाने के लिए, तो इनको क्या रोकेंगे। जब कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, डेली वेजर, हर जगह पे जाकर हम लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, स्टेटमेंटें लगवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, तो इनको पहले आज तक 9 महीने से नहीं रोका तो आप कौन सा रोका। अडानी के खिलाफ एक नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट हुआ हमारा, जिसमें 400-500 लोग आए हुए थे, वहाँ पे भी ये शामिल नहीं हुए 23 तारीख के बाद इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि ये डिमोरलाइज हो चुके थे। ये इनकी डिक्टेटरशिप जो है वो आम आदमी पार्टी में नहीं चली, इनका जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो चलाते थे। यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी को छोड़ने के पीछे का कारण है पैसा, पैसा ना मिलने पर पार्टी को छोड़ दिया गया। बिल्कुल सही। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गीता पे हाथ रख के कसम दिला दीजिए
हर एक उस इंसान को जो बोल रहा है कि अमित कपूर ने ये एलिगेशन लगाया है, झूठ बोल रहा है, तो वो गीता पे हाथ रखकर कसम खा लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। बेसिकली हर्षदेव जी एक डिक्टेटरशिप लीडर हैं, और हर्षदेव जी की डिक्टेटरशिप चलती थी पैंथर पार्टी में, और शायद इसी वजह से वो पैंथर पार्टी भी खत्म करने का सबसे बड़ा हाथ है इनका रहा। भीम सिंह जी जिन्होंने खून से सींचा था उस पार्टी को, जिनकी पूरी देश, पूरा देश हमारा इज्जत करता है, उनके हाल देखे इन्होंने क्या किए। ये उनके सगे नहीं निकले, अपने सगे भाई, अपने चाचे ताए मामे के मनकोटिया साहब के सगे नहीं निकले, तो ये किसके सगे निकलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मनकोटिया साहब ने भी कल एक चैनल में ये बात कह दी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना आरटीआई एक्टिविस्ट का धंधा चलाना चाहते हैं, शायद इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी में नहीं चल सका, इसी वजह से इन्होंने पैंथर पार्टी में दोबारा आए हैं, और ये वही धंधा अपना चलाएंगे आरटीआई एक्टिविस्ट का, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर सूत्र से ये भी खबर सामने आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वो जो है वो खाली कर दिया गया है, और कारण इसका बताया जा रहा है कि रेंट जो है वो पे नहीं किया गया। एक चीज बताइए, जब कोई चीज हम किराए पे लेते हैं जी, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है मालिक की तरफ से या हमारी तरफ से या किसी भी तरफ से जी, तो अगर उसको चेंज करने के लिए हम खाली करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए देख रहे हैं, तो आप बताइए वो खाली होना हुआ? मुझे नहीं लगता वो खाली होना हुआ। शनि में आज भी हमारा ऑफिस खुला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इनकी तरफ से एक शोशा उड़ाने की कोशिश की गई, बेवकूफ़ बनाने की लोगों को कोशिश की गई, जो हमेशा से हर्षदेव जी षड्यंत्र रचते रहते हैं। पैंथर पार्टी में भी चला, आम आदमी पार्टी ने भी किया, बहुत इज्जत सम्मान दी हमारी पार्टी ने इनको, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं हुई, और शायद इसी वजह से इनको लग गया कि यहाँ पे पहले ये 10 लोगों को कंट्रोल कर लेते थे, अब हजारों लोगों को कंट्रोल ये कैसे कर पाएंगे आम आदमी पार्टी में। तो वहाँ पे इनका, इनकी जो मंशा थी वो नाकामयाब हुई, इनका जो षड्यंत्र था वो नहीं कामयाब हुआ, इसी वजह से ये लोग 23 तारीख के बाद एक भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए आम आदमी पार्टी की। और तभी आपने देखा एलजी साहब के हाउस के बाहर, अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के इतने बड़े चेयरमैन हैं इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के, तो वहां अकेले क्यों बैठ गए, क्यों इनके साथ आम आदमी पार्टी नहीं थी? ये बेसिकली वहां पे 23 तारीख के बाद ये किसी को इन्होंने मैसेज दिया ही नहीं, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। पार्टी को छोड़ने की सोचा कि कहीं हमें पार्टी ना टर्मिनेट कर दे, मैं पहले ही, क्योंकि पार्टी को छोड़ने की मंशा पहले से ही। जी 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से अमित कपूर ने ये आरोप लगाए हैं कि पार्टी को छोड़ने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पार्टी से, आम आदमी पार्टी से पैसे मांगेंगे, यानी कि 12 लाख जो है वो मांगेंगे, जब उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, यानी कि पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन वहीं पर हर्षदेव सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी जो है वो लोगों के हित के लिए कार्य नहीं कर रही थी, लोगों के हक के लिए लड़ नहीं रही थी, इसीलिए वो पैंथर पार्टी को रिवाइव करेंगे और लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, आपको किस तरीके से लगता है कि क्या पार्टी के पैसे ना मिलने पर हर्षदेव सिंह ने इस्तीफा दिया, या फिर कारण जिस तरीके से हर्षदेव सिंह ने कहा है वो कारण आपको लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।